गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल बी आर्टफुल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी दोस्त फिर से हाजिर है आपके साथ एक और नए वीडियो को लेकर। सो आज का वीडियो मोमोज लवर्स के लिए है जिसको मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है। मोमोज का नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोमोज और उसके साथ खाई जाने वाली सेजवान चटनी। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर दे, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस की अपडेट उन पर देती रहती हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोमोज की स्टफिंग बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा पत्ता गोभी जिसको मैंने चॉप कर लिया, और एक ये बड़ा प्याज, एक शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की, और ये 5 से 6 कलियाँ लहसुन, ये हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। इसके अलावा हमें चाहिए अजीनोमोटो, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जैसे कि गाजर, हरी प्याज, कुछ भी आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे। जब वो हल्का सा मीडियम गरम हो जाएगा तो उसमें हमने जो चॉप करके अदरक और लहसुन रखा था उसको हम डाल देंगे। हमें उसको धीरे धीरे फ्राई करना है। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे। इनको हल्का, फिर हम इनको फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। आप एक बात का ध्यान रखें, हमें इसमें सब्जियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है इनको। इसके बाद मैंने शिमला मिर्च को भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें काली मिर्च और नमक को भी ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से इसको चलाएंगे। अब ये जब हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो इसमें पत्ता गोभी को भी ऐड कर देंगे और हमें इसको मिक्सर को अच्छे से चलाना है, अच्छे से इन सबको मिक्स कर देना है। अब जब ये हल्का सा हमारा भुन जाएगा पत्ता गोभी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस और वाइट विनेगर। इनको भी हम अच्छे से चलाएंगे। ये हमारा देखिए आप अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे जो कि है अजीनोमोटो। इसके बाद हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसको अब ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे मोमोज के साथ खाई जाने वाली चटनी यानी कि शेजवान सॉस। चलिए अब मैं आपको इसके भी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ फटाफट से। यहाँ मैंने ये थोड़ी सी लाल मिर्च को 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब मैं इनको मिक्सी में डालकर पीस लूँगी। ये देखिए आप, मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। अब हमें चाहिए ये मिर्ची वाला पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टेबल स्पून अजीनोमोटो, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन चॉप किए हुए, और ये नमक। अब हम एक पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे। आपको ये स्टोर करके रखनी है तो आप ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप अदरक और लहसुन। हम इनको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये मिर्ची वाला पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ था। अब हम इन सबको अच्छे से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, चिली सॉस, अजीनोमोटो, नमक और सोया सॉस। फिर हम इन सबको अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से इनको पकाएंगे। जब तक ये पक रही है तो अब हम एक कटोरी में लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसको हम पानी से घोल के इसका एक पतला सा बैटर तैयार करेंगे और इसमें धीरे धीरे करके मिलाएंगे। इससे हमारी चटनी में गाढ़ापन आ जाएगा। एक साथ डालने पे इसमें गाँठें आ सकती हैं, इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएं, एक साथ ना मिलाएं। अब हम इन सबको अच्छे से पका लेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगी तो आप देख सकते हैं आपकी चटनी बनकर तैयार है। आपकी चटनी बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगी। तो हमारी चटनी भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम मोमोज बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें डो लगाना होगा, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम के करीब मैदा ली है, उसमें थोड़ा सा नमक और 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। हमें नॉर्मल रोटियों की तरह इसका आटा लगाना है। जब हमारा डो बनकर तैयार हो जाएगा तो हम इसको 10 मिनट के लिए
रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम अपने मोमोज को बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे छोटी छोटी इसकी बॉल्स बना ली हैं। अब हमें इसको पूड़ी की तरह बेलना है, हमें इसको ज़्यादा ना पतला करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, क्योंकि मोटा करेंगे तो वो कच्चा रह जाएगा अच्छे से, वो स्टीम होके पक नहीं पाएगा। अब हम मोमोज बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ इसके किनारों पे हल्का सा पानी लगा लिया है और बिल्कुल बीच में मैंने ये स्टफिंग को रख दिया है। अब इसके बाद हमें ऐसे एक एक प्लेट्स बनानी है। इस तरीके से हम एक एक प्लेट्स बनाते हुए जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ तक एंड कर देंगे और ऐसे हमारा डिज़ाइन, और इसको हल्का सा घुमा देंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा मोमोज तैयार है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसे दोनों साइड से प्लेट्स बनानी है। हम इसी तरीके से दोनों साइड से प्लेट्स बनाते हुए बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे। और ये हमारा एक बोट की तरह हमारा मोमोज का डिज़ाइन बन जाएगा। ये हमारा दूसरा डिज़ाइन भी रेडी है। अब हम तीसरा तरीका बताते हैं, उसके लिए मैंने जो पहले तरीके में जैसे प्लेट्स बनाई थी वैसे बनानी है, बट हमको ये हाफ़ में बनानी है। आधे तक बनाने के बाद हम इसको दोनों साइड से ऐसे जोड़ देंगे और हमारा ये एक डिज़ाइन तैयार है। अब चौथे डिज़ाइन के लिए मैंने बीच में स्टफिंग रख दी है। ये जैसे हम गुजिया को बंद करते हैं वैसे इसको बंद कर लेंगे और इसमें हल्की हल्की सी प्लेट्स डाल देंगे और उसके बाद हमें इन दोनों किनारों को मिलाकर बंद कर देना है। तो आप ये पोटली टाइप से एक डिज़ाइन बन जाएगा। हमारे चार डिज़ाइंस रेडी हैं, मैंने आपको इसमें चार डिज़ाइंस बताए हैं। आपको इनमें से जो भी इजी लगे आप वो वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं इनको स्टीम करूँगी, उसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी को उबालने के लिए रख दिया है। उसके ऊपर मैंने ये स्टील का स्टैंड रख दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें कोई भी कटोरी रख सकते हैं और उसके ऊपर आप जो है प्लेट रख सकते हैं, उसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। मैंने यहाँ पर ये इडली का प्लेट था मेरे पास तो मैंने ये रख दिया है, इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है अच्छे से और इनके ऊपर मैं मोमोज को रख दूँगी। ये सारे मोमोज रखने के बाद हम इसको एक प्लेट से ढक देंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। अब मैं इस प्लेट को 5 से 7 मिनट बाद हटाने के बाद देखते हैं कि हमारा मोमोज जो है ट्रांसपेरेंट हो चुका है, इसका फॉर्म चेंज हो चुका है, इसका मतलब ये हमारा स्टीम अच्छे से हो गया है। अब हम इन मोमोज को एक एक करके निकाल लेंगे और हमारे गर्मा गर्म मोमोज सर्व करने के लिए रेडी हैं। मैंने 3 से 4 मोमोज को फ्राई भी किया था, उसके लिए पहले मोमोज को हमें स्टीम करना है और उसके बाद हम ऑयल में उसको डीप फ्राई कर सकते हैं, और जिसके बाद आपके फ्राइड मोमोज भी रेडी हैं और आप चटनी और मेयोनीज के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने बहुत ईजीली तरीके से इसमें बताने की कोशिश की है, फिर भी मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए गर्मा गर्म चटपटे मोमोज, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।